गाइस अभी हम आए हैं बनारस में आए और बनारस की फेवरेट और फेमस साड़ी नाले ऐसा हो सकता है। तो अभी इन्होंने एक सिलेक्टेड पास लिया है कम से कम 15 साड़ी। और गाइस हम स्टेशन पहुंच चुके हैं घर जाने के लिए, आज हमारी ट्रेन है 6। कितनी सारी पब्लिक है आप समझ आया कि बनारस। बाय बाय सबको, बाय बाय दीदी, बाय बाय। फाइनली गाइस हम अपने घर आ चुके हैं, मौसी मैं और मम्मी। गाइस अभी हम आए हैं बनारस में आए और बनारस की फेवरेट और फेमस साड़ी नाले ऐसा हो सकता है। तो हम आ गए हैं बनारस में एक शॉप पे साड़ी लेने। यही तो है बनारस है भाभी, बनारस आए और बनारस की साड़ी जरूर लेनी बनती है ना। क्या लिया? अभी पान पेंडिंग है, मम्मी ने तो खा लिया। मम्मी तो खा गई रात को। सुंदरता अलग है, उधर भी अच्छी है। तो अभी इन्होंने एक सिलेक्टेड पीस दिखाया है और प्राइस है 2500 रुपए। एकदम डिसेंटली है और जो डिजाइन देख रहे हैं कॉपर वाली है, ये 4500 रुपए। 4500। तो गाइस ये है डबल शेड की साड़ी और बहुत ही सुंदर लग रही है। बुआ अपने ऊपर देख रही है पर भाभी लेंगी है ना भाभी, पसंद ही कर रहे हैं। वैसे तो वैसे अच्छी लग रही है बहुत। यहाँ से लिया कम से कम 15 साड़ी और मैंने यहाँ से लिया 7 साड़ी। और भाभी आपने कितने लिए? मैंने 11 साड़ी। और मैंने कितने लिए? 12। मैंने 12 लिया, नहीं तो 11 तो लिया। अच्छा बुआ ने भी लिया? 7 आपकी, 6 मैडम की है। 6 बुआ की, 7 मेरी और टोटल 6 है। तो इनकी भैया की शॉप, आप भैया अपनी शॉप का नाम और एड्रेस बता दो। मेरे शॉप का नाम है सारी और हमारा एड्रेस है रविंद्रपुरी कॉलोनी लेन नंबर 4 वाराणसी बनारसी। और इन्होंने भैया ने बहुत ही अच्छी कलेक्शन दिखाई है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इनकी खुद की फैक्ट्री है ना भैया? हमारे यहाँ वो देखिए, इनकी यहाँ पे खुद की फैक्ट्री है, शॉप के अंदर ही है, मशीन मशीन पड़ी है। और मुझे आपकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी लगी भैया। ये देखो फैक्ट्री इनकी खुद की, ये मशीन वगैरह पड़ी है यहाँ पे। ये देखिए इन्होंने खुद ही डिजाइन करते हैं और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इनका, सॉफ्ट फैब्रिक है बिल्कुल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। इन्होंने ये अपनी शॉप में जो है मशीन रखी हुई है फैब्रिक और धागे वागे बनाने की। और इनकी कलेक्शन देखो, यहाँ पे भी साड़ियाँ बनी हुई खुद की है इनकी, ये सारी इनकी कलेक्शन खुद की है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और प्राइस भी जो है बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू भैया, दोबारे आएंगे और जरूर आएंगे हम तो। आपका कौन सा चैनल है? मेरा आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और अपनी फैमिली मेंबर से को भी बोल सकते हो आप। श्वेता बिसाइया ब्लॉग्स के नाम से है। थैंक यू भैया, नेक्स्ट हम जरूर आएंगे। गाइस हम स्टेशन पहुंच चुके हैं घर जाने के लिए, आज हमारी ट्रेन है 6:20 की, अभी हो रहा है 5:30। और स्टेशन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे इतनी पब्लिक है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। जब भी हमारे दर्शन नहीं हो पाए मुझे अब पता चला है, बहुत ही ज़्यादा लोग है, बहुत ही ज़्यादा। और अंदर अभी एक ट्रेन रुकी है, पता नहीं वो हमारी ट्रेन है या नहीं। तो बस अभी जा रहे हैं सामान वामान लेके, और आपको भी दिख ही रहा होगा कितनी पब्लिक है। और अभी तो आधी पब्लिक कम हो गई, वरना बहुत लोग थे यहाँ पे, बहुत वो कितने सारे लोग हैं। मम्मी आ गए हो, कितनी सारी पब्लिक है।
अब समझ आया कि बनारस में हमारे दर्शन के क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिक है बनारस में, यह पता चल गया हमें। बहुत ज्यादा पब्लिक है। मम्मी और मौसी के तो चल चल के पिद्दे ही निकल गए, पागल। हाँ की बैंड बच चुकी है और गले की भी, गला बहुत ज़्यादा बैठ चुका है, क्योंकि वो जो ट्रेना का पानी है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार था, उससे ही गला बैठा है हमारा सबका। मैं तो घर से ही गले में दर्द हो रहा था, खांसी जुकाम भी हो गए। सब अपना अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं, पैरों की बहुत ज़्यादा बैंड बजी है यार, बहुत ज़्यादा। मेरी बात मानो ना, तो कोई भी टूर हो एक दिन का नहीं होना चाहिए, कम से कम दो या तीन दिन का तो होना ही चाहिए। सब अपना अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने खुली नहीं करवाया, खुद ही जा रहे हैं। और अब थोड़ी शाम हो गई ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और एक और बात बताती हूँ बनारस में, बनारस की यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट की बहुत ज़्यादा स्मेल है हर जगह। जो जगह साफ भी होगी ना, वहाँ पे भी टॉयलेट की बदबू आ रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कास्ट जो है मुस्लिम दिखाई थी, शायद यहाँ पे ज़्यादा है मुस्लिम। और वैसे ज़्यादा घूमा भी नहीं हमने ये जगह, तो हमें ज़्यादा पता भी नहीं, पर जिस जगह गए हमें ज़्यादातर मुस्लिम दिखाई थी। आ तो गए हैं, 6:15 हो रहे हैं और 6:20 की ट्रेन है। नहीं 6:00 है, इसकी घड़ी में बता रहा है। खराब होगी ना, खराब होगी सबकी, यहाँ पे हालत खराब हो गई चल चल के। हाँ। सबकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई। बहुत थक गए मौसी और की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई। गाइस अभी है नेक्स्ट डे और हमने कल ट्रेन में बैठने के बाद एक भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी हम आ गए हैं फाइनली दिल्ली, और दिल्ली से मतलब वहाँ से उतर गए, अभी ट्रेन से उतर रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं। हम ट्रेन से उतर चुके हैं, हम काशी विश्वनाथ हो गए हैं, साड़ी का व्लॉग भेजा है, आप देख सकते हैं। तो हम दिल्ली आ गए हैं और अब सब अपने अपने घर जाएंगे, सारा सामान भी उतार लिया है और ट्रेन भी जा रही है बड़ी जल्दी, तो रुकी भी नहीं। कुली करवा लिया, क्योंकि सबका सामान एक साथ ही जो है रख देंगे। और फिर कैसी थी दिल्ली में? ही अच्छा लगता है ना, बच्चे कह रहे हैं हमारी दिल्ली अच्छी है। हाँ गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत हो रही है, और उसमें खराबी हो गई है, खत्म है, तो मौके के फायदे उठाएंगे लोग। बाय बाय सबको, बाय बाय दीदी, बाय 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 बाय। अब कहाँ पे मिलेंगे? अगली यात्रा कलकत्ता, अब अगली यात्रा हमारी कलकत्ता की है। सब अपने अपने घर जा रहे हैं। बुआ कहाँ पे मिलेंगे अगली यात्रा? मना कर रही है, जबरदस्ती लेके जाएंगे। भोला बुलाता है, इसका रिश्ता जरूर करवाना, इसका रिश्ता कराना हमने लड़के का, नहीं जाएगा हमारे साथ। बाय बाय, कहाँ पे मिलेंगे? हम मिलेंगे कलकत्ता, कलकत्ता। नहीं भाई नहीं है, ये भाई जाएगा। हां ये कह रहा है ज्योति जाएगी, ये मेरी पावर बोलू वाले का, ये कह रही है, ये ज्योति जाएगी, बोलू नहीं जाएगा, क्यों मजा लेगा ये।
ये ज्योति से मजे लेगा भाई, मामा तो मंगोलपुरी आया ना। पहली बार देखा बुआ को पैर छूते हुए। है बुआ, मैंने पहली बार देखा। हाँ मैं तो नंदी छोटी है तो क्या आएगा, छोटी तो नंदी नहीं आएगा। ए मत छोटा तो कहीं मिल जाएगा। ए नहीं तो क्या, मेरी इतनी बड़ी बड़ी भाभियां पैर छू रही है। नंदी तो नंदी होती है, छोटा से फाइनली गाइस हम अपने घर आ चुके हैं। मौसी, मैं और मम्मी ऑटो में आए थे, तो मौसी को पहले हम उतर गए, फिर मौसी उतर जाएगी। और अपने घर पे आके बहुत ही सुकून मिलेगा सच में। तो अभी अभी आ गए के भर गए। हाँ हम ट्रेन से उतरे थे 11 बजे, और अब घर कितने बजे आ गए, घर आए हम 12:30 बजे। सो रहे हैं घर पे सब। चलो भाई अंदर चल के देखते हैं। पापा भी हमसे पहले आ गया। गाइस शाम के 8 बज रहे हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं दवाई लेने, क्योंकि मम्मी के लग गया लूज मोशन और मेरे बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा, गले में भी दर्द हो रहा। तो मम्मी और मैं लेने जा रहे हैं दवाई, और हमने घर आके बहुत सारी बातें करी कि हमने वहाँ पे क्या क्या करा, है ना मम्मी। हमने बहुत सारी बातें करी घर पे आके, हमने वहाँ पे ऐसे किया, हमारे दर्शन नहीं हुए, हमारी लड़ाई हो गई वहाँ पे, और फिर हमने घर पे आके घर की चाय पी, जो आनंद मिला घर की चाय पी के मज़ा ही आ गया, क्योंकि हमने कल से चाय नहीं पी हुई थी, एक भी स्टेशन पे ना मिली चाय ना पानी मिला वहाँ पे। तो फिर घर पे आके मज़ा करें, और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के दवाई लेने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार सो गया, भगवान बुखार ही हो जाए, राम तो बुखार ही नहीं होता हो। हाँ पागल है, कभी होता ही नहीं है बुखार, मैं चाहती हूँ मेरा बुखार हो। भीड़ हो रही है पर दुकान पे, डॉक्टर की दुकान पे नहीं, बहुत भीड़ हो रही है। थोड़ी देर में आएंगे, चलो वापस चलते घर पे। फिर हमारी काम वाली आंटी की ना, उनके वहाँ पे थोड़ी सी किसी की डेथ हो गई एक लड़की की, तो आंटी भी नहीं आ रही है काम करने। फिर सबने घर का काम करा मिलके, फिर उसके बाद नहाए धोए, फिर उसके बाद कुछ नहीं करा। फिर अभी चाय वाय पी के डॉक्टर के आए थे, डॉक्टर के बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। चलो फल ले लेते, थोड़े से फल ले रहे हैं हम, क्योंकि नैना और पापा का आज व्रत है सैटरडे का। मम्मी अंगूर ले रही हैं। मम्मी अंगूर मत लो, न्यूज़ में आ रहा था अंगूर से दवाई छिड़क रहे कोई, नहीं, नहीं। कैंसर हो रहा उससे। अच्छा तो न्यूज़ में ऐसे फैला रहे हैं।